नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में पढ़ लिया होगा, आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि realme 2 आखिर इतना सस्ता है क्यों। मतलब यहाँ पर आपको नॉच मिल रही है 6.2 इंच की और एक बढ़िया सा फ़ोन मिल रहा है, बढ़िया कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, हर एक चीज़, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्राइसिंग जो है वो सिर्फ है 8,990 रुपये बेस वेरियंट की। तो इतना सस्ता आखिर है कैसे, मतलब इतना सस्ता। जो realme 1 भी इसका आया था वो भी स्टार्टिंग उसकी 9,000 से थी, लेकिन वो 9,000 में 3/32 मिल रहा था आपको, ना फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा था, ना आपको वहाँ पर नॉच मिल रही थी। तो ये सारी चीज़ें थी, फिर भी यहाँ पर उसकी प्राइस ज़्यादा थी। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इतना सस्ता है क्यों और इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। और गाइज, अभी आपकी स्क्रीन में एक नया इंट्रो आएगा हमारे चैनल का, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए कि आपको इंट्रो कैसा लगा, क्या आप कोई दूसरा इंट्रो चाहते हैं, या फिर आप वही पहले वाला इंट्रो रहना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम लोग इंट्रो को ये वाला चेंज कर लें। दोस्तों, मेरा नाम है अमन चचान और आपका हमारे चैनल टेक्स एंड फैक्ट्स में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम लोग के पास है हाथ में realme 2। ये हम लोग का डायमंड रेड कलर है और ये हम लोग का बेस वेरिएंट है 3/32 वाला। तो यहाँ पर हम लोग पहले तो फ़ोन को यहाँ पर दिखा देते हैं आपको सेटिंग्स में जाकर एक बार। अबाउट फ़ोन पे ये हम लोग गए अबाउट फ़ोन पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग का जो डिवाइस नेम है वो हम लोग का है realme 2। कलर वाइज वर्जन 5.1 है, एंड्रॉयड वर्जन 8.1, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 450 और रैम 3 GB और इंटरनल 32। तो ये रही हम लोग की स्पेक्स की बात। और अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें खराबियाँ क्या क्या हैं, क्यों इतना कम का है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो इसकी स्क्रीन है वो हम लोग की है HD+ की, मतलब यहाँ पर आपको 720p+ की डिस्प्ले मिलने वाली है। वो चीज़ यहाँ पर बहुत ख़राब है। मतलब अगर आपको यहाँ पर 1080p की फुल HD+ की डिस्प्ले मिलती या फिर फुल HD ही मिलती तो वो ज़्यादा बेटर रहती। मतलब यहाँ पर HD+ मिल रही है आपको, मतलब HD से ज़्यादा और फुल HD से कम। तो स्क्रीन यहाँ पर आपको कम मिल रही है, स्क्रीन से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें दूसरी चीज़ की, तो वो है हम लोग का प्रोसेसर। मतलब realme 1 की यहीं पर बात करी जाए, realme 1 इस टाइम मेरे हाथ में है, तो यहाँ पर आपको मिलता था हीलियो का P60 का प्रोसेसर, लेकिन realme 2 में आपको लगाया गया है स्नैपड्रैगन का 450। मतलब स्नैपड्रैगन 450 हीलियो P60 से काफ़ी कम है। स्नैपड्रैगन 450 अप्रॉक्स 2-2.5 साल पहले लॉन्च हुआ था, तो काफ़ी पुराना, आउटडेटेड नहीं कह सकते हैं लेकिन काफ़ी पुराना प्रोसेसर है। ये जो छोटे स्मार्टफोन्स आते हैं 5-6-7 हज़ार रुपये में, उनमें ये पढ़कर आता है। जैसे कि redmi 5a की बात करें तो उसमें स्नैपड्रैगन 425 पड़ा हुआ है, 450 से थोड़ा सा कम, तो मतलब उन फोन्स में पढ़कर आता है। तो यहाँ पर प्रोसेसर आपको कम मिलने वाला है, तो प्रोसेसर से आपको कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर करना पड़ेगा। पहली बात रही हम लोग की यहाँ पर डिस्प्ले, दूसरी बात रही प्रोसेसर। इसके अलावा यहाँ पर बात करें हम लोग डिस्प्ले जो PPI है, realme 1 की अगर बात करें तो उसमें वहाँ पर आपको PPI मिली थी 403 की, मतलब कि 403 की PPI पिक्सल पर इंच। लेकिन realme 2 की बात करें तो यहाँ पर आपको PPI मिल रही 271 की, सिर्फ 271 की, मतलब 403 से, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आधा आप कह सकते हैं, अप्रॉक्स आधा, पूरा आधा नहीं। तो यहाँ पर वो PPI आपको बहुत कम मिलने वाली, तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ख़राब है। बाकी सभी चीज़ें यहाँ पर लगभग सेम है, सेंसर्स आपको लगभग सारे सेम मिलते हैं। और पर बाकी सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पर बात करें सिर्फ स्क्रीन और प्रोसेसर और PPI, तो ये चीज़ यहाँ पर कम मिलती है। स्क्रीन आपको यहाँ पर कम की लगा दी गई है, यहाँ पर प्रोसेसर आपका कम का लगाया गया है, स्क्रीन PPI कम की करी गई है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कम करी गई हैं। इसके बाद ही इसकी प्राइसिंग 8,990 रुपये है। मतलब यहाँ पर ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि 8,990 के हिसाब से ये फ़ोन ख़राब है। 8,990 के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट फ़ोन है अभी तक का। मतलब मुझे बेस्ट लगा, लुक वाइज बेस्ट। और यहाँ पर आपको नॉच मिल रही है, आपको एक, मतलब जो ट्रेंडिंग इस टाइम चल रहा है उससे आप एक कम्पीट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर 9,000 रुपये में मिल रही है। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ख़राब भी हैं जो मैंने आपको बता दी। अच्छाइयों की यहाँ पर बात करें तो realme 1 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर में नहीं मिलता था, जिसकी कमी यहाँ पर realme 2 ने पूरी कर दी। आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। realme 1 में आपको सिंगल कैमरा मिला था सिर्फ 13 मेगापिक्सल, यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। फ्रंट कैमरे को काफी इनहेंस किया गया है यहाँ पर, हालांकि दोनों का ही 8 मेगापिक्सल है, लेकिन यहाँ पर इसका फ्रंट कैमरा थोड़ा सा इनहेंस है, उससे बेटर फोटोज लेता है। बैटरी को इनहेंस किया गया है, उसकी बैटरी 3000 समथिंग थी, लेकिन इसकी बैटरी की बात करें तो 4230 mAh की बैटरी है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर।
मतलब और स्क्रीन साइज इसका 6.2 इंच का है, उसका 6 इंच का था 19:9 का रेशियो, वहाँ पर मिलता था आपको 18:9 का रेशियो। और यहाँ पर फेस अनलॉक है वो उससे बहुत ज़्यादा फास्ट है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ़ोन लॉक है और मैं जैसे ही उस पर देखूँगा तुरंत अनलॉक हो जाता है फ़ोन। तो ये यहाँ पर फेस अनलॉक रियलमी 1 के कंपेरिजन में इसका बहुत फास्ट है, तो वो सारी चीज़ें अच्छी है। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया कि इसमें ख़राब चीज़ें क्या है, क्यों ये फ़ोन 8,990 का है और रियलमी 1 जो है वो इससे महंगा है। हालांकि यहाँ पर अच्छाइयाँ भी आप मैंने आपको बताई, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे जाना है या फिर आपको परफॉर्मेंस पे जाना है या फिर आपको कैमरा पे, तो उस हिसाब से आप डिसाइड करके अपना फ़ोन ले सकते हैं। तो गाइज उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी कमेंट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इस फ़ोन में क्या बेटर लगा या फिर रियलमी 1 के कंपेरिजन में इसमें क्या बेटर है या क्या ख़राब है। और गाइज जो मैंने इंट्रो की बात करी थी, इंट्रो का बताना बिल्कुल मत भूलिए कि आपको इंट्रो कैसा लगा चैनल का। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो पे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल टेक्स एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी नई नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो सके। दोस्तों बस नमस्कार, धन्यवाद।